चौपला पुलिस चौकी के पास तमंचे की बट मारकर युवक को घायल करने के मामले में पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, अस्पताल में भर्ती। बता दें कि गजरोला औद्योगिक नगरी क्षेत्र के चौपला पुलिस चौकी के पास युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गजरोला थाना प्रभारी राजेश कुमार तिवारी का कहना है कि पीड़ित आयुष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभिषेक, असर खां वह सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित का कहना है कि वह मोहल्ला सुल्तान नगर का रहने वाला है और चौपला चौकी के पास से कुछ सामान लेने आया था, तब तमंचे की बट मार कर इन लोगों ने उसे घायल कर दिया था। इस दौरान चौपला सुल्तान नगर के रहने वाले सौरभ ने बताया है कि जिस समय ये घटना हुई थी वह उस समय मौके पर नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष कहाँ रहते हो? सुल्तान नगर। अच्छा, ये जो आप अस्पताल में भर्ती हो, क्या घटना हुई आपके साथ? जी मारपीट हुई। किसने करी मारपीट? चौपले का लड़का सौरभ, अभिषेक या सर। क्यों मारा तुम्हें? क्यों मारा? जी सर, पुरानी कहा सुनी हो गई थी किसी बाइक टकराव को लेकर। बाइक को लेकर कहा सुनी हो, पुरानी रंजिश के चलते मारा। किस चीज़ से मारा तुम्हें? जी उनके पास बंदे सर थे, आजकल तमंचा डंडे सर ये बंदे सर वो। अच्छा, ये तुम्हारे क्या लगा? ये तमंचे की बट लगी। तमंचे की बट मारी। अच्छा, तो वो लोग भाग गए? जी। तहरीर दे दी आपने? जी।